फिल्म की शुरुआत कुछ बेहतरीन सेफ्स को दिखाते हुए होती है जो तरह तरह के डिशेस बना रहे थे। इसके बाद गोरेंग को दिखाया जाता है जिसकी आंख एक वर्टिकल जेल के लेवल 48 पे खुलती है। वहाँ ट्रिमा नाम का एक कैदी पहले से मौजूद था। क्योंकि गोरेंग इस जेल में नया है इसलिए वो ट्रिमा से जानना चाहता है कि यहाँ चीजें कैसे काम करती है, क्योंकि उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी यहाँ एक प्लेटफॉर्म लैंड करता है जिसमें ढेर सारा खाना रखा हुआ था। दरअसल इस जेल के हर रूम के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म साइज का होल है जिसमें खाने का प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आता है और हर 2 मिनट के बाद नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है। खाने के इस गंदे से प्लेटफॉर्म को देख कर गोरेंग का मन खाना खाने का बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि खाना पूरे प्लेटफॉर्म पर छिटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खाना जूठा है, मगर ट्रिमा जल्दी से खाना खा लेता है। वहीं गोरेंग एक एप्पल अपने पास ये सोचकर रख लेता है कि मैं इसे बाद में खाऊंगा, और ट्रिमा शराब पीकर खाने पर ही कुल्ली कर देता है। गोरेंग उसे टोकता है कि तुमने खाने पर कुल्ली क्यों कर दिया, नीचे वाले इसे कैसे खाएंगे। ट्रिमा बताता है कि हमारे ऊपर के लेवल वालों ने भी ऐसा ही किया होगा। इसके बाद रूम का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है। दरअसल ये गोरेंग के फल अपने पास रखने की वजह से हो रहा था, मतलब खाना जब तक प्लेटफॉर्म पर था तब तक ही वो उसे खा सकता था, इसलिए गोरेंग को वो फल वापस प्लेटफॉर्म पर ही फेंकना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे गोरेंग को इस जेल के बारे में अजीब अजीब सी बातें पता चलने लगती है। इस वर्टिकल जेल में हर लेवल पर 2 कैदी रहते हैं। लेवल 0 पर शेफ खाना तैयार करते हैं और फिर प्लेटफॉर्म पर रख कर इसे लेवल 1 के कैदी को दे देते हैं, और 2 मिनट के बाद खाने से भरा ये प्लेटफॉर्म लेवल 2 में शिफ्ट हो जाता है, और फिर हर 2 मिनट में ये नीचे वाले लेवल में शिफ्ट होता रहता है, और आखिर के लेवल पर पहुंचने के बाद बिजली की रफ्तार से वापस ये लेवल 0 पर चला जाता है। यानी कि लेवल 1 में जो कैदी हैं वो बिल्कुल फ्रेश खाना खाते हैं। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे खाने का प्लेटफॉर्म गंदा होता जाता है, और कुछ लेवल के बाद तो खाना बचता भी नहीं है। वहाँ के लोग खुद को जिंदा रखने के लिए अपने सेल के दूसरे कैदियों को मारकर खा लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि गोरेंग इस जेल में अपनी मर्जी से आया है। उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था, वो तो बस सिगरेट की लत छोड़ना चाहता था। इसके बदले उसे एक डिग्री भी मिलने वाली थी। गोरेंग ने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इससे पहले वो किसी भी हाल में इस जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। इस जेल में सभी को अपने साथ कोई एक चीज लाने की छूट थी। गोरेंग अपने साथ एक बुक लाया था जिसे पढ़कर वो अपना टाइम पास कर सके। वहीं दूसरी ओर ट्रिमा को 1 साल की सजा हुई थी क्योंकि उसने टीवी एड्स से परेशान होकर अपनी टीवी को दीवार के उस पार फेंक दिया था जो किसी आदमी के ऊपर गिर गई थी और उस आदमी की मौत हो गई थी। ट्रिमा अपने साथ एक नाइफ लेकर आया था जो हर यूज के बाद और ज्यादा शार्प हो जाती है। कुछ दिन तो गोरेंग बिना खाए गुजारा कर लेता है, पर जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है तब उसे उस गंदे से प्लेटफॉर्म से खाना खाना ही पड़ता है। इसके बाद वो ट्रिमा से जानना चाहता है कि इस जेल में कितने लेवल्स हैं। ट्रिमा कई लेवल्स पर रह चुका था पर आखिरी महीने वो लेवल 132 पर था। 132 के नीचे भी और कई सारे लेवल्स थे, उतने लेवल तक खाना नहीं पहुँच पाता था। इससे गोरेंग क्यूरियस हो जाता है कि बिना खाने के ट्रिमा वहाँ कैसे रहा था। ट्रिमा बताता है कि खाने के प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ भूखा रहता था। यानी ट्रिमा ने अपने साथी को मार कर ही खा लिया था। इसके बाद गोरेंग देखता है कि खाने के प्लेटफॉर्म पर आज मिहारू नाम की एक औरत बैठ कर आई है जिसकी हालत बहुत बुरी थी। ट्रिमा बताता है कि मिहारू हर महीने इसी तरह सारे लेवल्स पर जाकर अपनी बेटी को ढूंढती है। गोरेंग चौंक जाता है कि इस खतरनाक से जेल में बच्चे भी रहते हैं। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट होती है तब वहाँ मौजूद 2 कैदी मिहारू को असॉल्ट करते हैं। गोरेंग को बहुत गुस्सा आता है पर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक रात ट्रिमा गोरेंग से कहता है कि अगर भगवान को मानते हो तो दुआ करो कि हम ऊपर या फिर मिडिल लेवल पर ही शिफ्ट हों। इसके बाद गैस की मदद से सारे कैदियों को बेहोश कर दिया जाता है
और सभी कैदी को शफल कर दिया जाता है, यानी कि हर महीने के बाद कैदियों को बेहोश करके उन्हें अलग अलग लेवल पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। अगली सुबह जब गोरिंग होश में आता है तो देखता है कि ट्रीमा ने उसे बेडशीट की मदद से बांध दिया है, क्योंकि उन्हें 171 लेवल पर ट्रांसफर कर दिया गया है। इतने नीचे खाना नहीं पहुंच पाएगा। शुरू के एक दो हफ्ते तो पानी से गुजारा चल जाएगा, मगर उसके बाद भूख से हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए उसने अभी से ही गोरिंग को बांध दिया है ताकि वो उसे खाकर बाद में जिंदा रह सके। दरअसल ट्रीमा की रिहाई में अब सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं और वो किसी भी हाल में आजाद होना चाहता है, पर वो गोरिंग से वादा करता है कि मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए रह सकूं, और उसके बाद जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगा तो मैं तुम्हारी बॉडी में से छोटे छोटे मांस का टुकड़ा काट कर निकाल दूंगा और तुम्हारे जख्म को भरने की भी कोशिश करूंगा। इसके बाद 1 हफ्ता गुजर जाता है। गोरिंग अभी भी बेड से बंधा हुआ था, उसके बदन में अब एनर्जी भी नहीं थी। वही ट्रीमा का भूख से बुरा हाल हो चुका था। वो गोरिंग के थाई से एक टुकड़ा काट लेता है और ठीक इसी वक्त मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ आ जाती है। वो ट्रीमा को मार कर गोरिंग को आजाद कर देती है। फिर मिहारू ट्रीमा का मांस खाती है और गोरिंग को भी खिलाती है। गोरिंग रोने लगता है क्योंकि उसे यहाँ आने से पहले इस जेल की सच्चाई पता नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ट्रीमा की बॉडी में कीड़े लग जाते हैं। खुद को जिंदा रखने के लिए गोरिंग को वो भी खाना पड़ता है। इस जेल की अजीब से वातावरण में गोरिंग का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। उसे ट्रीमा का घोस्ट दिखाई देने लगता है। वो गोरिंग से कहता है कि अब तुम भी मेरी तरह हो गए हो, अब मैं तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा बन चुका हूँ, अब हम दोनों अलग भी नहीं हो सकते हैं। इस तरह से 1 महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से कैदियों को शफल किया जाता है। इस बार खुशनसीबी से गोरिंग को लेवल 33 पे रखा जाता है, पर यहाँ उसके साथ ही इमोगरी होती है। गोरिंग इमोगरी को देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि इमोगरी इस जेल की इंटरव्यूअर थी जो हर कैदी को जेल में भेजने से पहले उससे बात करके जानकारी हासिल करती थी। दरअसल उसे कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था, इसलिए वो अपने आखिरी दिन को अपनी ही मर्जी से इस जेल में गुजारना चाहती थी। इमोगरी भी इस जेल की कुछ चीजों से बिल्कुल अनजान थी, पर उसे खाने की बर्बादी के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो 1 दिन गैप कर करके खाना खाएगी ताकि खाना ज्यादा नीचे वालों तक पहुँच पाए। इमोगरी के मुताबिक इस जेल में 200 फ्लोर्स हैं। गोरिंग महीने भर बाद आज सही से खाना खाता है। इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। ऊपर से इमोगरी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस उतना ही खाएं जितने की उन्हें जरूरत है, ताकि नीचे के लोगों तक भी खाना पहुंच पाए, मगर नीचे वाले इमोगरी की बात नहीं मानते हैं। वो उसके साथ गाली गलौज करने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो खुद नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आए हैं। जब वो नीचे थे तब तो ऊपर वालों ने उनके बारे में नहीं सोचा, तो अब वो अपने से नीचे वालों के बारे में भला क्यों सोचेंगे। कुछ दिन इसी तरह से गुजरता है। इमोगरी रिक्वेस्ट करती रहती है और वो लोग बात नहीं मानते हैं। तब गोरिंग मामला अपने हाथ में लेता है। वो अपने से ऊपर वालों का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, पर वो नीचे वालों को धमकाता है कि अगर उन्होंने इज्जत से खाना नहीं खाया और खाने की बर्बादी की तो वो ऊपर से उनके खाने में यूरिन कर देगा, जिससे वो भी खा नहीं पाएंगे। ये आइडिया काम कर जाता है। तब गोरिंग नीचे वालों से भी कहता है कि वो भी अपने नीचे वालों से ऐसा ही कहें। इससे शुरू के कुछ लेवल्स तक खाना पहुँचने लगता है, मगर अभी भी सबसे नीचे वालों तक खाना नहीं पहुँच पा रहा था। एक दिन मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आती है, मगर वो बेहोश थी, इसलिए गोरिंग इमोगरी की मदद से उसे बेड पर सुलाता है। मिहारू के जाने के बाद गोरिंग इमोगरी को बताता है कि बेचारी अपनी बेटी को ढूंढ रही है, वो थोड़ी पागल सी हो गई है। तब इमोगरी बताती है कि मिहारू एक एक्ट्रेस रह चुकी है और वो यहाँ बिल्कुल अकेली आई थी, उसकी कोई भी बेटी नहीं है। वैसे भी इस जेल में 16 से कम उम्र के बच्चों को नहीं आने दिया जाता है। खैर, एक और महीना गुजर जाता है। इस बार गोरिंग को लेवल 202 में शिफ्ट कर दिया जाता है। गोरिंग जब होश में आता है तो देखता है कि इमोगरी ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसे चीटेड फील हो रहा था। दरअसल उसे पता था कि जेल में 200 ही फ्लोर्स हैं, मगर वो तो अभी खुद 202 फ्लोर पर थी और नीचे कई और फ्लोर दिखाई दे रही थी, यानी कि मैनेजमेंट ने आज तक उसे अंधेरे में रखा था।
वो समझ गई थी कि इतने नीचे तक तो खाना पहुंचने वाला नहीं है, इसलिए उसने खुद की जान दे दी ताकि उसे खाकर गोरिंग एक महीने तक सरवाइव कर पाए। गोरिंग को मजबूरी में इमोगली को खाना ही पड़ता है और अगले महीने वो लेवल 6 पर पहुंच जाता है। इस बार बैरेट नाम का एक आदमी गोरिंग का साथी था। वो किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो अपने से ऊपर वाले फ्लोर से रिक्वेस्ट करता है कि वो रस्सी पकड़कर उसे ऊपर खींच ले, मगर ऊपर वाले उसकी मदद नहीं करते हैं। गोरिंग के यहाँ आए हुए 4 महीने गुजर चुके थे। अभी वो लेवल 6 पर था जहाँ अच्छा अच्छा खाना आराम से पहुँच रहा था, यानी कि ये महीना तो आराम से निकल जाने वाला था। बस उसे एक और महीने किसी तरह खुद को जिंदा रखना था, फिर वो इस जेल से रिहा हो जाने वाला था। मगर गोरिंग इस जेल के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो बैरेट के साथ मिलकर बैट से हथियार बनाता है। फिर वो प्लेटफॉर्म के साथ अपने से नीचे के प्लेटफॉर्म की ओर जाता है और 50 लेवल तक किसी को भी खाना नहीं खाने देता है, क्योंकि जनरली वहां तक खाना पहुंच ही जाया करता था, तो वो ज़्यादा दिन से भूखे नहीं थे, वो बिना खाए भी कुछ और दिन जिंदा रह सकते थे। कुछ लेवल के बाद इन्हें एक समझदार इंसान मिलता है जो उनकी पहल की तारीफ करता है, साथ ही वो एक आइडिया भी देता है कि तुम लोग एक डिस्क को बिल्कुल सुरक्षित अपने पास रखो और उसे लेवल 0 तक पहुंचाओ, ताकि उन्हें समझ आ सके कि नीचे कुछ गड़बड़ी चल रही है। गोरिंग और बैरेट उनकी बात मान लेते हैं। इसके बाद वो लेवल 51 से खाना बांटना शुरू करते हैं। कुछ और लेवल के बाद इन्हें मिहारू दिखती है जिसपे 2 कैदी हमला कर रहे थे, तब गोरिंग और बैरेट उन्हें मार डालते हैं। इसमें वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और मिहारू भी जिंदा नहीं बच पाती है। इसके बाद ये लेवल 333 पर पहुंचते हैं जहां बैट के नीचे एक भूखी बच्ची थी, शायद ये मिहारू की बेटी थी, इसलिए ये पेनाकोटा उसे खिला देते हैं, मगर बैरेट के ब्लीडिंग की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद गोरिंग उस बच्चे को प्लेटफॉर्म पर रख देता है ताकि वो लेवल 0 तक पहुँच जाए और मैनेजमेंट को मैसेज मिल जाए कि नीचे गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि बच्ची तो यहाँ अलाउड नहीं थी। इसके बाद गोरिंग की भी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर इसकी एक नहीं बल्कि 2 एंडिंग है। एक तो ये कि बच्चे के मिलने से मैसेज मैनेजमेंट तक पहुँच गया है, और दूसरी ये कि ये सब गोरिंग का एक वहम था। यहाँ कोई बच्ची नहीं थी क्योंकि मिहारू यहाँ बिल्कुल अकेली आई थी, मगर पेनाकोटा लेवल 0 तक पहुँच गया था। सेफ को उसमें एक बाल मिला था जिससे उन्हें लगा कि बाल होने की वजह से किसी ने उसे नहीं खाया है, इसलिए वो गोरिंग के रियल मैसेज को नहीं समझ पाए। आप जिस भी एंडिंग पर बिलीव करना चाहते हैं कर सकते हैं। दरअसल इस फिल्म में मैसेज तो हमारे समाज को दी गई है कि जो लोग हमसे अपर लेवल के होते हैं वो बस अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें नीचे वालों की गरीबी बदहाली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे तबके के लोग किसी तरह ऊपर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। एक बार जब वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो भी अपने से नीचे वाले लेवल को दबाते हैं। कुछ गिने चुने ही लोग गोरिंग की तरह निकलते हैं जो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज गाइड हिंदी को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए।